रामपुर गांव में कमलेश अपनी पत्नी प्राची के साथ रहता था। दोनों पति पत्नी भगवान कृष्ण जी के परम भक्त थे। दोनों सुबह उठकर सबसे पहले कृष्ण जी की पूजा अर्चना करते और उनको माखन मिश्री का भोग लगाकर ही अपने दिन की शुरुआत करते। कमलेश के पास दो गाय थी जिसका दूध दही और घी वो पूरे गांव में बेचा करता था। उसकी दूध दही और घी खाकर गांव वाले उसकी पत्नी और दोनों गायों की बड़ी ही तारीफ करते। ऐसे ही उनका जीवन चल रहा था। एक दिन कमलेश अपनी साइकिल से दूध देने जा ही रहा था, तभी उसकी साइकिल का एक गाड़ी से टकरा कर एक्सीडेंट हो गया और उसके पैरों में चोट लगने के कारण बहुत सा खून निकलने लगा। आह, आह, मेरा पैर। उसका सारा दूध जमीन पर गिर गया। कुछ लोगों की मदद से वो किसी तरह घर आया। उसके पैर चोट लगने के कारण फूल गए थे। कुछ देर बाद डॉक्टर ने आकर उसे देखा। अब कमलेश, तुम कुछ दिनों तक दूध देने नहीं जा सकते। तुम्हारे पैरों में गहरी चोट आई है। कुछ दिन तुम्हें घर पर ही रहकर आराम करना होगा। क्या आराम? अगर मैं आराम करूंगा तो दूध कौन बेचेगा? अगर दूध नहीं बिका तो मैं घर कैसे चलाऊंगा भगवान? ये सुनकर कमलेश थोड़ा दुखी हो गया, पर फिर उसे अपने एक करीबी दोस्त राजू की याद आती है। कमलेश ने अपने दोस्त राजू को अपने घर बुलाया और उसे कहा, मित्र राजू, एक्सीडेंट के कारण मेरे पैरों में बहुत चोट आई है, जिसकी वजह से मैं दूध बेचने नहीं जा सकता। अगर तू मेरा दूध गांव में बेचकर आए तो बहुत मेहरबानी होगी। कमलेश, ये तू क्या बोल रहा है? इसमें मेहरबानी वाली क्या बात है? तू नहीं जा सकता तो क्या हुआ? मैं हूं ना, मैं तेरा सारा काम कर दूंगा। राजू काफी चालाक था, उसने हाँ कर दिया, पर कमाई का आधा हिस्सा कमलेश से मांगा तो कमलेश मना नहीं कर पाया। हाँ ठीक है राजू भाई, कमाई का आधा हिस्सा तुम रख लेना। कमलेश कई वर्षों से गांव के मंदिर में जन्माष्टमी के उत्सव में बनने वाली खीर के लिए हर साल दूध भिजवाया करता था। इस बार भी उसे जन्माष्टमी का दिन अच्छी तरह याद था और उसने राजू से मंदिर में दूध पहुंचाने को कहा। कमलेश की बात मानकर राजू दूध देने गया, पर फिर राजू ने अपनी चालाकी से सोचा, कमलेश ने कहा है कि सारा दूध बिना पैसे लिए मंदिर में देना है, पर मैं मुफ्त में कैसे दे दूं? अगर मैं इसमें से आधा दूध निकाल लूं और इस दूध की टंकी में आधा पानी भर के दे दूं तो किसी को क्या पता चलेगा, और बाकी का दूध भी पानी मिलाकर गांव वालों को दे बेच दूंगा। इससे मेरी डबल कमाई हो जाएगी। राजू ने जैसा सोचा था ठीक वैसा ही किया। उसने दूध में पानी मिलाकर मंदिर के पुरोहित को दे दिया और बाकी का आधा दूध भी पानी मिलाकर अच्छे दामों में गांव वालों को बेच दिया। प्रसाद की खीर पतली थी, पुरोहित जी ने ना चाहते हुए भी उसी का भोग भगवान श्री कृष्ण को लगाया। पूजा खत्म होने के बाद शाम को कमलेश के घर मंदिर के पुजारी के साथ कुछ लोग आए। अगर दूध नहीं देना था तो मना कर देते, पर पानी मिलाकर क्यों दिया? तुम्हारे दूध के कारण प्रसाद की खीर बेस्वाद बनी और लोग बिना खाए चले गए। कमलेश ने सबको समझाने की बहुत कोशिश की। अरे अरे, ये क्या बोल रहे हैं पुजारी जी, मैंने तो एकदम ताजा दूध भिजवाया था, जरूर कोई गलत फहमी हो गई है। पर वे गुस्सा होकर कमलेश की बात सुने बिना वहां से चले गए। अगले दिन जब राजू आया तो कमलेश ने उसे सब बताया। कमलेश भैया, आप मुझ पर शक कैसे कर सकते हो? मैंने आपकी बुरे वक्त में मदद की और आप मुझे ही बुरा भला कह रहे हो। क्या मैंने दूध में पानी मिलाया है? पर मैंने ऐसे कब कहा? पुजारी जी कह रहे थे इस बार की खीर पहले जैसी स्वादिष्ट नहीं बनी, दूध पतला था इसलिए। खीर अच्छी नहीं बनी तो रसोइयों को बोलना चाहिए ना, उसमें दूध देने वाले की क्या गलती है? ये सब सुनने के बाद कमलेश चुप हो गया। उसे राजू पर बहुत भरोसा था, जिसकी वजह से वो राजू को कुछ और बोल नहीं पाया। कुछ दिनों के बाद कमलेश ठीक होकर जब वापस दूध देने गांव गया तो सबने दूध लेने से मना कर दिया और कहा, हमें तुम्हारा दूध नहीं चाहिए, तुम्हारे दूध में आधा पानी मिला होता है, हमें दूध देने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर कमलेश को राजू की नीयत का पता चल गया। उससे कोई भी और दूध नहीं ले रहा था, उसके सारे ग्राहक टूट गए
वो दुखी होकर दूध लेकर वही रास्ते पर बैठ गया। तभी उसके पास एक सांवले रंग का लड़का आया जो कि देखने में बहुत ही सुंदर था। उसने कमलेश से कहा, मुझे बहुत भूख लग रही है, मुझे खीर खाने का मन हो रहा है, क्या आप मुझे खीर बनाकर खिला सकते हो? कमलेश को उस लड़के की बातें बड़ी प्यारी लगी। उसने सोचा, गांव वाले तो इस दूध को लेंगे नहीं, वैसे भी इसे फेंकना ही पड़ेगा, इससे अच्छा मैं इस लड़के को थोड़ी सी खीर बनाकर खिला ही देता हूँ। वो उस लड़के को अपने घर ले गया। प्राची, ये लड़का मुझे रास्ते में मिला है, इसे बहुत भूख लगी है, जरा इसे खीर बना के खिलाना। कमलेश की बात सुनकर प्राची खीर बनाने लग गई। प्राची थोड़ी सी खीर बना रही थी, इसके लिए उसने छोटा सा भगोना लिया। माई, इतना छोटा सा बर्तन में क्या होगा, जरा बड़ा बर्तन ले लो। बच्चे का मन रखने के लिए प्राची ने बड़ा बर्तन लिया और उसमें थोड़ा सा दूध और चीनी मिलाई, पर खीर बनाते बनाते उस बर्तन से बाहर निकलने लगी। उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। तब प्राची ने उसे दूसरे बर्तन में डाला, पर न जाने क्यों खीर उबलकर फिर से बर्तन के बाहर जा रही थी। तो प्राची ने उसे दूसरे बर्तन में डाला, पर न जाने ये कैसा चमत्कार हो रहा था कि उसके घर के सारे बर्तन खीर से भर गए, लेकिन फिर भी खीर में उफान आता जा रहा था। उस खीर से मीठी मीठी खुशबू आ रही थी। प्राची, तुमने इतनी सारी खीर बना दी, तुम्हें तो मैंने बस इस बच्चे के लिए ही बोला था। प्राची ने एक कटोरे में खीर उस बच्चे को दिया, तब जाकर खीर में उफान आना बंद हुआ। अब इतनी सारी खीर का क्या करेंगे हम? इस खीर को पूरे गांव में बांट दो। कमलेश और प्राची ने वैसा ही किया और दोनों ने मिलकर पूरे गांव में सारी खीर बांट दी। वो खीर इतनी स्वादिष्ट थी कि सबने पेट भर कर खाई। वाह वाह, ये तो बड़ी ही स्वादिष्ट खीर है। हाँ भैया, इतनी अच्छी खीर तो मैंने कभी खाई ही नहीं है। जब खीर बांट के वे घर वापस आए तो देखा वो लड़का घर में नहीं था। उस लड़के को घर पे ना देखकर वो दोनों परेशान हो गए। फिर उन दोनों की नजर दूध की टंकी पर गई जो ऊपर से ढकी हुई थी, उसके अंदर कुछ चमक रहा था। प्राची ने जैसे उस टंकी का ढक्कन हटाया तो वो दोनों हैरान रह गए। वो टंकी सोने के सिक्कों से भरी हुई थी। उधर राजू के घर में चोरी हो गई, उसका सब कुछ चोर लूट कर चला गया था। हाय राम, मैं तो बर्बाद हो गया, लूट गया, दूध में पानी मिलाकर जो कमाया था सब कुछ चोर ले गए। उसे समझ में आ गया था कि ये उसकी गलती की सजा है। तभी वो दुखी होकर कमलेश के पास गया और अपने किए पर माफी मांगने लगा। कमलेश उसे लेकर कृष्ण जी के मंदिर गया। वहाँ उसने पुजारी जी के सामने अपनी की हुई गलती कबूल की। मैंने भगवान के दूध में मिलावट की थी, मुझे इसकी सजा मिल गई। कमलेश भी वहीं खड़ा आंखें बंद किए कृष्ण जी का ध्यान कर रहा था। तभी उसे वहीं सांवले रंग का लड़का नजर आया और उसने देखा कि वो लड़का कृष्ण जी की मूर्ति में समा गया। कमलेश ने कृष्ण जी के मूर्ति के पैर पकड़ लिए और कहने लगा, हे गोपाल, आप स्वयं मेरे घर आए और मैं आपको पहचान न सका, मुझे क्षमा कर दो कृष्ण, मेरी मुसीबत में आपने मुझे सहारा दिया, मैं बड़ा ही भाग्यवान हूँ जो मुझे जीते जी आपके दर्शन मिले। और फिर कमलेश और प्राची ने बड़े प्रेम से कृष्ण भगवान की आरती की। उस दिन के बाद से कमलेश का दूध का व्यापार बहुत अच्छी तरह चलने लगा और थोड़े दिनों में उसने एक बड़ी दुकान खरीद ली जिसका नाम दिया कृष्णा डेयरी। और इसी तरह कमलेश और प्राची दोनों की जिंदगी में कभी किसी चीज की कमी नहीं हुई और वो खुशी खुशी रहने लगे। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी और कहानी सुनने के लिए इसे लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।